नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमारे पास एक इंक्वायरी आई है, उसमें पूछा गया है कि उनका अपना घर साउथ फेसिंग है और बनी हुई बिल्डिंग बैक साइड में यानी नॉर्थ के भाग में बनी हुई है और उनकी अपनी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। ऐसे में उन्हें वास्तु के अनुसार क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। उनका अपना जो घर है वो साउथ फेसिंग है और साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर गेट लगा हुआ है। गेट से एंट्री करने के बाद जो अपना फ्रंट का भाग है, जो साउथ का भाग है, वो खुला, खाली और नीचा है। बनी हुई बिल्डिंग नॉर्थ में बनी हुई है, नॉर्थ वेस्ट कोने से नॉर्थ ईस्ट तक पूरी बिल्डिंग बनी हुई है और साउथ का भाग खुला है। यदि आपका घर भी इसी प्रकार से बना हुआ है, आपका साउथ फेसिंग घर है और फ्रंट का भाग खुला, खाली और नीचा है और आपकी बनी बिल्डिंग बैक साइड में यानी नॉर्थ के भाग में बनी हुई है और आपके यहाँ भी परेशानी आ रही है, तकलीफ़ आ रही है, तो ऐसे में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आप अपना घर बदल सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। यदि आप अपना घर बदल नहीं सकते तो उसके लिए आपको एक काम ज़रूर करना पड़ेगा। आपको अपने घर के साउथ वेस्ट के भाग में नैऋत्य कोने में एक कमरा ज़रूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर कमरा बनाए आपके यहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो कमरा आपने बनाना है वो कमरा आपने साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर आपने कमरा बनाना है। कमरा बनाते समय आपको जो ध्यान रखना है, कमरे का जो फर्श का लेवल है वो आपकी बनी बिल्डिंग में जो सबसे ऊंचा फर्श का लेवल है उससे ऊंचा आपने साउथ वेस्ट के कमरे को बनवाना है। दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है, इस कमरे की जो छत का लेवल है, जो आपकी बनी बिल्डिंग की पहली स्लैब है यानी ग्राउंड फ्लोर की जो छत है, उसके लेवल से ऊंची आपने इसकी छत बनानी है। अब बात करते हैं आपने डोर कहाँ रखना है। इस रूम के अंदर डोर एक तो ईस्ट में सेंटर के भाग में रखना है और दूसरा जो डोर रखना है आपने नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट कोने की ओर आपने डोर को रखना है। फर्श की ढलान आपने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर करनी है और इस रूम में आपने ध्यान रखना है जो आपका साउथ का भाग है, साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेके जहां रूम की दीवार आती है ईस्ट तक, आपने इस दीवार में कोई भी खिड़की या दरवाज़ा नहीं लगाना है। आपने अपने इस रूम के अंदर जितनी भी खिड़की और दरवाजे लगाने हैं वो ईस्ट की दीवार के साथ और नॉर्थ की दीवार के साथ ही लगाने हैं। इस रूम के अंदर आपने जो बेड रखना है, बेड आपने साउथ की दीवार के साथ लगाना है और सोते समय आपका सिर साउथ में होना चाहिए और आपके पैर नॉर्थ की ओर हो जाएंगे। आपने इस रूम में अलमारी रखनी है तो अलमारी आपने इस रूम के साउथ वेस्ट के भाग में वेस्ट की दीवार के साथ अलमारी रखनी है, या अलमारी बनाना चाहते हैं तो वो अलमारी आप साउथ वेस्ट के भाग में बनाएं। रूम के अंदर जो कलर रखना है आपने, वो कलर आपका ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर ही होना चाहिए। आप अपनी मैरिड लाइफ में जिस बात से परेशान है, आपकी वो परेशानी का हल इस रूम में आने के बाद ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। आप ये काम करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट ज़रूर मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपकी बनी हुई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर आपने ऑफ वाइट कलर कराना है। सीलिंग बिल्कुल वाइट होनी चाहिए और दीवारों का जो रंग है वो ऑफ वाइट कलर ही होना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप अपने घर के किचन साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आप अपनी किचन बना सकते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके यहाँ लगातार पैसे आने के साधन भी बने रहेंगे और लगातार पैसा आएगा भी। आपका घर विलेज में है, गांव में है, देहात में है और आपकी किचन अंदर के भाग में किसी भी जोन में बनी हुई है, उसको आप वहीं रहने दें और आप अपने घर के साउथ ईस्ट के भाग में चूल्हा, आहरा यदि लगाते हैं, यहाँ पर आप अपना दूध गर्म करते हैं या आप अपना खाना बनाते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके घर के अंदर माहौल हमेशा ही अच्छा
बनता चला जाएगा, क्योंकि साउथ ईस्ट के भाग में जब भी अग्नि आती है तो घर के अंदर हमेशा खुशहाली बढ़ती है। जिस व्यक्ति का कोई भी काम नहीं बनता, कहीं से कोई साधन नहीं बनते, वो व्यक्ति अपने साउथ ईस्ट के भाग को गर्म कर लेता है, वहाँ पर चूल्हा रख लेता है, हारा रख लेता है या बर्नर रख लेता है, तो उस घर के अंदर हमेशा ही खुशहाली आने के रास्ते बन जाते हैं। कितनी बड़ी तकलीफ़ क्यों ना हो, उस घर के अंदर उस तकलीफ से निपटने के लिए रास्ते बन जाते हैं, सिर्फ अग्नि साउथ ईस्ट के भाग में पहुँचाने से। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो को देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देखा है या मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। यदि आप अपने घर के बारे में, अपनी दुकान के बारे में, अपनी फैक्ट्री के शोरूम के बारे में या स्कूल के बारे में या हॉस्पिटल या क्लिनिक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिस आकर फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह ले सकते हैं। आप मेरे यहाँ आने से पहले अपने घर का नक्शा बना कर लाए, अपनी समस्याएँ लिख कर लाए और साथ में अपने घर की फ़ोटो और वीडियो बनाकर ज़रूर लेकर आए, ताकि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सलाह दे सकूँ। इसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।